बेगूसराय भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बसही गांव में ठीक से बिजली आपूर्ति नहीं होने से उपभोक्ता काफी परेशान है। एक तो समय से बिजली नहीं आती है, आती है तो वोल्टेज, जिससे इस गांव के छात्रों को पढ़ाई लिखाई करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार ने उपभोक्ताओं को पूछा तो लोगों ने बताया कि केवल बिजली बिल लेने ठेकेदार आते हैं, पर बिजली की समस्याओं को कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जब जेई से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया तो जेई फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। स्थानीय ग्रामीणों ने इस समस्या को दूर करने की मांग विभागीय अधिकारियों से की है। आज 3 महीना से लेकर पूरा गांव में बिजली बहुत कम थोड़ा देता है, ऐसे जिससे संकट हर बस से मने लोग परेशान रहते हैं बिजली के कारण। यानी बिजली सही से नहीं आ पा रही है? ट्रांसफार्मर डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं रहता है। हम लोग अब यही फैसला किए हैं, जिसको हम बिजली देते हैं बिल उसी को बांध कर रखते हैं। जय आएगा आपने जय साहब से बात करने का कॉन्टेक्ट किए थे? क्या कहना है उनका? उनका क्या कहना है? बिजली नहीं आता है 2 महीना से। जय साहब को फोन किए? फोन करते हैं, कितना फोन करते हैं, अभी नहीं करते हैं। कोई बिजली विभाग वाला कोई ने फोन उठाते हैं, आते हैं देखने के लिए कि हम कैसे समस्या में 2 साल से जो झेल रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मीना देवी। वार्ड नंबर 3। काजी क्या समस्या है लोगों का? नदी में देखिए ना, पानी डूबा हुआ, इधरों डूब गया उधरों डूबले है, कैसे लगे? ऊपर कोई अधिकारी से बातचीत? हाँ, कब्बे करें। क्या कहना है उनका? पाइए ना, पा रहा था तभी ना, कोई इधर खोले तो उधर लगाए, उसका भी वही हाल है, पानी में डूबल। आपको हम 2 महीना पहले पूर्व फोन किए, बाढ़ से पहले, जब आपका ऐसा ऐसा स्थिति है, आप इसको बिजली का जो प्रबंध है ट्रांसफार्मर को कहीं व्यवस्था कीजिएगा, ये बिजली का आपका समस्या आ जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो आते आते फोन करने के बाद यहाँ जनता फोन करता है तो फोन भी रिसीव नहीं करते। आज हम लोग गए उनके पास तो वो फोन भी नहीं उठाते हैं, बोलते हैं ये कर देंगे अर्जेंट, ये कर देंगे। हमने बोला कि आपके पास बहुत सी सुविधा है, आप अगर चाहेंगे तो आज का आज लाइट आ जाए। एग्रीकल्चर विभाग का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हम मैंने बोला कि उससे आप कनेक्शन कर दिए तो वो बोले कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा, तो कहिए आप नया ट्रांसफार्मर यहाँ डाल दीजिए, उससे आपका कनेक्शन हो जाएगा। ये लोग पूरा भ्रष्ट हो गया, महीने महीने बिजली बिल लेते हैं और बोलने के बाद कोई एकदम सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, और यहाँ का पब्लिक बहुत परेशान है। रात रात भी बच्चे लोग जाते हैं बीमार से, पूरा परेशान है और ये हालत है। और अधिकारी लोग को भी, ऊपर अधिकारी से हमने बात किया है, वो बोलते हैं ठीक है हम जेई को फ़ोन करते हैं, जेई को कोई इधर से उधर कोई फ़ोन नहीं होता है, सीधा हम लोग को परेशान में। हम लोग को महीने महीने बिजली बिल आ जाता है, पूरा वोल्टेज के साथ पैसा लिया जाता है, ये समस्या है। और जेई बिल्कुल लापरवाही इस काम में बरत रहे हैं, उनको 2 महीने पहले ही जनता ने आगाह कर दिया है कि बाढ़ के पिछले साल भी यही समस्या था, बाढ़ था, उन्होंने नहीं सुना। और हमारे पास जगह भी है और व्यवस्था भी है, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार। वार्ड नंबर 3। पंचायत कौन सा पड़ता है? दामोदरपुर पंचायत। बिल लेने के लिए आप ही आते हैं? उसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, जनता उसका सही पेमेंट दे रहे हैं, सब ठीक है। कि बिजली की समस्या जो आ रही है, आप ऊपर तक जय साहब से बात किए थे? हाँ, बात किए थे, वो बोले कि गाड़ी देगा, गाड़ी मतलब अभी तो ट्रांसफार्मर नाव पर तो नहीं चढ़ पाएगा, तो कोनो व्यवस्था कहीं पर देगा गांव का लोग, तभी ना हम लगवा सकते। तो आपका नाम? अर्जुन कुमार। इंद्रजीत जी, आप ये बताइए, यहाँ पे बिजली की समस्या 1 महीना से चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर कहना है कि यहाँ के लोग बहुत ही परेशान थे, लगभग प्रत्येक साल यहाँ पर बिजली 2-3 महीना के लिए
कट हो जाती है, वोल्टेज कम रहता है, जिसके कारण सभी को पहले से बिजली में रहने की आदत है। इसके कारण यहाँ के बच्चे लोग, यहाँ के लोग में थोड़ी बीमारी की आशंका बढ़ रही है और ये लोग बहुत ही परेशान हैं। और इन लोग को अभी देख ही रहे हैं भादों का समय में कितना गर्मी चल रहा है। हम लोगों के बीच प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम लोगों के बीच सभी लोग आते हैं, बोलते हैं, हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन अभी तक कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और यहाँ के लोग बहुत। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए